हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। बजाज फाइनेंस शेयर सबसे बड़ा शेयर है फाइनेंस सेक्टर का, और इसका जो चार्ट अभी वन डे कैंडल लगा के रखे हैं, वन डे कैंडल वो जो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देखा जाए तो ये कम से कम 1 साल का चार्ट होगा, जो जून 2021 टू या 2020 टू अभी तक जो चार्ट दिखाया जा रहा है, एक बुलिश ट्रेंड में अभी तो कन्वर्ट हुआ है। अभी इसको हम जूम करके देखेंगे और एनालाइज करेंगे आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है। तो पीछे का हम वीडियो में बात किए थे, जब बजाज फाइनेंस 6000 के पास आ रहा था तब हम वहीं पर सपोर्ट लेवल का बात किए थे। तो बजाज फाइनेंस का सपोर्ट 6000 के पास होगा और 6500 मेन सपोर्ट लेवल होगा और लास्ट सपोर्ट जो होगा 6000 था। तो हम वहीं से जब बात किए थे तो वहाँ से जूम करके देखा जाए तो 6000 टच करके अभी 7495 यानी लगभग 1500 पॉइंट वहाँ से मूवमेंट हो चुका है। अगर मेरे रिकमेंडेड की तरफ से अगर लिए होगे अगर एक दो शेयर तो आपको एक शेयर पर 1500 प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहा बात, हम जब सपोर्ट लेवल बता दिए थे वही सपोर्ट लेवल बहुत बढ़िया लेवल था 6000, जब वार के टाइम में वो लेवल आया था। अभी के टाइम में जो वार जैसे थम धीरे धीरे कम हो रहा है तो अभी का लेवल जो 7500 आएगा, यहाँ से हम आगे का रफ्तार क्या लेंगे। तो आपको ध्यान देना है, ये अगर जूम किया जाए तो इस लेवल पे देखिए 7000 के पास 7 दिन तक रुका है, यानी वही 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे करके 7 दिन से रुका है। इसका मतलब 7000 हो गया आपका सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल। अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आता है शेयर तो आपको बाय कर लेना चाहिए और वहाँ से आपको टारगेट लगाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू के लिए चलेंगे तो 7500 रखिए, यानी 500 पॉइंट का व्यू रखिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू पर रखिए तो 8000, क्योंकि 8000 के पास एक बार दो बार आके वहाँ से गिरावट हो चुका है 2000 पॉइंट। अगर 8000 फिर दोबारा आता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लेना है जब तक 8000 ऊपर क्रॉस ना कर जाए। अगर 8000 के ऊपर अगर सस्टेंस करता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर नहीं सस्टेंस करता है तो 8000 के पास आप सेल कर दीजिए, जब वो ऊपर जाए तभी ले लेना। तो ये रहा है, वीडियो में यही बात करना है। तो 6000 अभी भी 1000 पॉइंट आपको और मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब ध्यान देना है, अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आता है 7000 के आसपास लाता है तो आप एंट्री करिए, नहीं तो यहीं आसपास में कम क्वांटिटी के साथ एंट्री करिए और टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 7500, लॉन्ग टर्म के लिए 8000 बना कर रखिए। तो इस वीडियो में यही बात करना था। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।